हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद जस्ट किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमें बनाने वाला है खीरे की बिल्कुल एक नई रेसिपी। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। दो पीस खीरा ले लेंगे, चाट मसाला ले लेंगे और ये काला नमक ले लेंगे 1/4 टीस्पून, सादा नमक ले लेंगे 1/4 टीस्पून, भुना पिसा जीरा ले लेंगे 1/2 टीस्पून, एक हरी मिर्च को ले लेंगे, इस तरह काट के ले लेंगे। जीरा लगा के दो भाग में काट लिए हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप और हरी मिर्च ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मिर्च पाउडर ले लेंगे, गोल मिर्च ले लेंगे, इसे कूट के ले लेंगे और ये थोड़ा सा भुजिया ले लेंगे। उबला हुआ आलू को काट के ले लिए हैं और बारीक प्याज ले लेंगे 2 टीस्पून, और ये है कच्चा बादाम, इसे हम भून के ले लिए हैं, और ये दही है। खीरा को ले लेते हैं, इसका ऊपर कमों को काट के इस तरह से रेत लेंगे ताकि ये खीरा में कड़वापन रहता है दोस्तों वह निकल जाए। फिर से इसका ऊपर का मुँह काट देंगे, इसी तरह दोनों तरफ का करेंगे। देखिए दोस्तों कितना कड़वापन निकला है। अब खीरा को इस तरह से हम काट लेते हैं, सॉरी छील लेते हैं। देखिए छील लिए हैं, अभी इसे बीच से एक चीरा लगा देते हैं और दो भागों में काट लेंगे। इसे रखते हैं और ये वाला खीरा को भी हम छील लेंगे इसी तरह। देखिए अब खीरा का बीच का भाग इस तरह से हम निकाल लेते हैं। देखिए खीरा का अंदर का भाग निकाल लिया है, अब इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कर लिए है खीरा का भीतर का भाग, और यहीं पर हम आलू को डाल देंगे। अब दही को हम डाल लेते हैं, प्याज को डाल देंगे और मिर्च पाउडर को डाल लेते हैं। काला नमक और सादा नमक को डाल देते हैं। भुना जीरा पाउडर को डाल देते हैं। सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीका से। थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर को डाल देते हैं और फिर से अच्छी तरह से सभी को मिला लेंगे। अब एक पीस खीरा लेंगे और इसमें ये मिक्स किया हुआ को डाल देंगे। इस तरह दबा दबा के डाल देते हैं और तब तक हम आपको याद दिला दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमें कमेंट में बताएं आपकी रेसिपी कैसी लगी। देखिए ये हो चुका है, इसे रख देते हैं। अब यहीं पर हम चाट मसाला को डाल देते हैं। देखिए ऊपर से थोड़ा सा मिर्च पाउडर को छिड़ देते हैं इस तरह से। भुना हुआ जीरा पाउडर को डाल देते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा दोस्तों, क्योंकि मिश्रण में तो हम डाल ही चुके हैं। कुटा हुआ बादाम को थोड़ा सा छिड़ देते हैं इस तरह से। इसे आप जरूर एक बार घर पर बना के खाइएगा दोस्तों, ये खाने में काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। ऊपर से भुजिया को छीट देते हैं।
देखिए कटी हुई हरी मिर्च को रख दिए हैं, देखिए कटी हुई ऊपर से हरी मिर्च को रख दिए हैं। अब ये बन के तैयार हो गया मेरा। तो आप इसे जरूर एक बार घर पर ट्राई करें, हमें कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और इस तरह नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।